मैं आप सबका इस विजय संकल्प रैली में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। कोलान की धरती वीरों की धरती है, भारत के वैसे सपूतों की धरती है जिस मिट्टी ने कभी हार नहीं माना। मुगलों का शासन हो, ब्रिटिश की हुकूमत हो, कोलान विद्रोह करता रहा, अपने मिट्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ता रहा और अपने परंपरागत जीवन पद्धति के साथ कभी समझौता नहीं किया। वैसे धरती पर आज विजय संकल्प रैली के माध्यम से हम शंखनाद कर रहे हैं, उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए जो देश भर के तमाम आदिवासियों का संकल्प है, जिस संकल्प को देश ने कभी महत्व तो नहीं दिया, जिस संकल्प को अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब स्वाधीन हुआ देश, लंबे शासनकाल में आजादी के बाद कांग्रेस ने नहीं समझा कि आदिवासी जनजीवन न केवल मध्य भारत में जंगलों के बीच में रहने वाला, सदा से अपने स्वाभिमान के साथ रहने वाला समाज है, बल्कि सरहदों में, सीमाओं में हमेशा देश की सुरक्षा के लिए निरंतर समर्पित होकर देश की सेवा में लगा रहता है। वैसे जनजीवन, वैसे समाज, वैसे जनता जिसकी बातों को लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने नहीं समझा, समझा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जब इस देश के वास्तविक स्वाभिमान को जगाकर देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह आह्वान करते हुए कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश का स्वाभिमान और देश के जनजाति समाज का स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है, उसको सम्मान देना है। और इसलिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हुए देश भर में मनाने का एक आह्वान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और मैं इस मंच से, कोलान की धरती से, मैं इस आह्वान के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप एक ताली बजाकर यहां से शंखनाद करिए कि यह आवाज दिल्ली तक पहुंचे, देश तक पहुंचे कि जो स्वाभिमान दिवस हम सब ने घोषणा किया है वो देश के तमाम आदिवासी समाज को, आदिवासी संप्रदाय को ही नहीं बल्कि देश को जागृत करने का, देश को आगे बढ़ाने का निश्चय है। इसलिए मित्रों, मैं आप सबके सामने इस बात के साथ कि आज इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों पहले दौरे पर आया था, कोलान के सभी प्रखंडों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खास तौर से प्रधानमंत्री की कल्पना है कि देश के समस्त ऐसे क्षेत्रों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा कैसे मिले और गुणवत्ता आधारित शिक्षा उन्हें पूर्ण रूप से ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सपना तो देखते हैं पूरा नहीं होता है, उन्हें
केजी टू पीजी तक पढ़ाने के लिए सुविधा क्वालिटी युक्त शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए सीबीएसई माध्यम का विद्यालय होना चाहिए। आ चाहे मझगांव हो, जगन्नाथपुर हो, टोंटो हो, चाहे वो कुल्हान का कोई भी प्रखंड हो, चाहे सोनवा हो, चक्रधरपुर हो, बदगांव हो, इन सारे प्रखंडों में रेसिडेंशियल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं और प्रत्येक प्रखंड में खोले जा रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न पर ये विद्यालय चलाए जाएंगे और पूरी तरीके से मुफ्त सुविधा एडमिशन होने के बाद क्वालिटी गुणवत्ता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ किया है जिसके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में राशि आवंटित किया गया है, आदि आदर्श ग्राम योजना, जो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर गांव अपने स्वाभिमानी समाज के साथ संपूर्ण विकास का रास्ता को सशक्त बनाए और सेचुरेशन मोड में, यानी जो भी योजना है वो योजना इस तरीके से होना चाहिए कि वह गांव आदर्श गांव बने। लेकिन राज्य सरकार उस राशि का उपयोग नहीं कर रही है और जहां उपयोग कर रही है वह ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर के कर रही है जो घोटाले का, जिसमें काम अच्छे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आज आप सबको, हम सबको इस कुलान की धरती से संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिन उद्देश्यों के साथ 1,05,000 से अधिक जनजातीय गांव जो इस देश के अंदर है, जिन गांवों में हमारा मंत्रालय ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि उन सारे गांव में संपूर्ण रूप से यदि गैस देना है तो सारे गांव के लोगों को मिल जाए, सारे परिवार को मिल जाए, आवास प्रधानमंत्री आवास सारे पूरे गाँव को मिल जाए, जल नल से जल की सुविधा पूरे गांव को उपलब्ध हो, सड़क की सुविधा, पोस्ट ऑफिस की सुविधा, नेटवर्क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, वो सारी सुविधा गांव को पूर्ण रूप से मिले ताकि गांव अपने आप में आदर्श हो। वहां पर जो रोजगार की संभावना है उन रोजगार के संभावनाओं को हम अच्छे तरीके से उभार पाए। हागा उड़ो मिसी को ने कोलान रे अधर तिर तिसिंग अबू सोबन कुबु बिटा कदा अबु दिसम रेन माइनन गृह मंत्री तिसी अबू काजी अबू अबू संबोधित बुआ नया जगर चिचिल करते रेन दिसम रेन आदिवासी को अबुन चेतन सेन चेतन साहिब सेनोवा तिसी ने दिसम रे सोबन को आते चेतन रे धूप तनहड़ो अबु नेतारिन मिडो महिला मिनैया द्रौपदी मुर्मू लकान महिला तिसी देश रेन दिसम रेन सोबन को आते मरंग जगर रे दुबकना अबू जदि नया संकल्प कबू इडिया अब जो नया काबू उड़ू है एंदो अब चिलकते आयार पास चेतन बाबू से नया जामिन योजना को मिना अब तरफ ते नैन राज्य रे को पैसा इन कुल लिया था तेसी मिनिमम सपोर्ट रिया पैसा नैन राज्य रे कुल कड़ा 3 साल आते पेंडिंग में ना आर्टिकल 275(1) रे जगह जगह रे अब अचिल का अब नेता रे अब वो तय के नैन समय रे अन्या समय रे नेता रे कोल्हान भवन भाई ने एना तो चिना मेनते एन समय अब उड़ू तय के ना चे अब डेवलपमेंट ने का तो होबा ओका अब समाज रे अकामी को होबा ओका लेकिन एना को ना असोबन बंदो आकना अब सोबन को बेस से उड़ू इका बेस से कामी इका ओडो नया उड़ू कहते विधानसभा रे हो अनो लोकसभा रे हो ने को ला रहे थे अब ओकवा राष्ट्रपति रे पद एम कहते अब सम्मान ने बढ़ाओ कदा अब डेवलपमेंट रे प्रोग्राम कहते ने का उड़ू मिना चे हम सबका डेवलपमेंट अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो आज हम यहाँ से संकल्प लेकर के लौटे कि कोल्हान की धरती आभार व्यक्त करना भी जानता है और कोल्हान की धरती चाहे अंग्रेजी हो या मुगल हो उसके साथ लड़ाई लड़ना भी जानता है, इतिहास बनाना भी जानता है। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्प लेते हुए आज हम इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से जो शंखनाद हो रहा है उस शंखनाद को नया स्वर दे करके हम देश भर में देश के तमाम आदिवासियों को, तमाम समाज को और कोल्हान में रहने वाले तमाम समाज के लोगों को जागृत करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।